नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे, मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जिला पंचायत पर रिश्वत ले रहा था डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, सागर लोकायुक्त की ट्रैप की कार्रवाई। भाभी की हत्या कराने वाली ननन सहित 5 को आजीवन कारावास। दमोह सांसद राहुल सिंह ने किया रक्तदान, तो वहीं जिला कलेक्टर और मंत्रियों की उपस्थिति में हुई बैठक संपन्न। अज्ञात कारणों के चलते युवक ने उठाया अप्रिय कदम। ये थी दिनभर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह सांसद राहुल सिंह की, जिनके द्वारा युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में स्वयं भी रक्तदान किया और लोगों को भी प्रेरित किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आज दमोह जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लखन पटेल, दमोह सांसद राहुल सिंह एवं पूर्व वित्त मंत्री दमोह विधायक जयंत मलैया मौजूद रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम निरंतर जारी रहेंगे। वृक्षारोपण कार्यक्रम भी चल रहे हैं, रक्तदान शिविर भी लगाए जा रहे हैं। वहीं आज दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी के द्वारा भी रक्तदान किया गया। बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रिंस जैन के अलावा अन्य पदाधिकारी कर्मचारी विशेष रूप से मौजूद नजर आए। मोदी जी के जन्मदिवस से लेकर गांधी जी की जयंती तक 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में यह कार्यक्रम चल रहा है और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सेवा और स्वच्छता को लेकर हमको काम करना है। और युवा मोर्चा के पूरे युवा मोर्चा जिले की टीम को भी बधाई देता हूं कि सेवा के साथ ये पुण्य का काम भी आपने किया है, क्योंकि अभियान में रक्तदान तो आता है पर रक्तदान जब हम करते हैं तो रक्तदान महादान है और किसी की भी उस रक्त से जान बचाई जाती है, तो सेवा और दान दोनों का ये संयोग है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। निरंतरता बनी रहना चाहिए और जो पिछले लंबे समय से पार्टी और कार्यकर्ता निरंतरता से काम कर रहे हैं और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज इस रक्तदान शिविर में हम सम्मिलित हुए। और क्योंकि 2 वर्ष से अधिक हो गए हैं मैंने रक्तदान नहीं किया है, तो युवा मोर्चा के अध्यक्ष आग्रह की प्रारंभ मुझसे ही प्रयास करता हूं कि हर 6 महीने में रक्तदान हो पर हो नहीं पाएगा, तो इस संकल्प को और संकल्पित हो जाए, अच्छे से ये काम हो जाए, इसके लिए आज मैं भी पहली बार रक्तदान करूंगा। 2 वर्ष की बात होगा, पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जिस दिन जन्मदिन था उस दिन से ये हमने अपना पखवाड़ा, स्वच्छता पखवाड़ा बनाने का तय किया है। जो माननीय
महात्मा गांधी जी के 2 अक्टूबर तक चलेगा। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि इसी के संदर्भ में युवा मोर्च ने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाई है। मैं आशा करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हमारे युवा साथी ब्लड डोनेट करेंगे। आपका खून किसी का जान बचा सकता है, ये तो जानते हैं। हमारे ग्रुप में ऐसे बहुत से लोग हैं जो 30 बार 40 बार 50 बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ब्लड खून एक ऐसी चीज है जो बन नहीं सकता, जो सिर्फ इंसान बनाता है, इंसान के शरीर में बनती है और वही लोगों के जीवन बचाने का काम कर सकती है। मैं युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और खासतौर से आज का जो दिन है, ये हमारा जो पखवाड़ा चल रहा है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 तारीख को था, उसमें जो सेवा सप्ताह का पखवाड़ा चल रहा है उसी सिलसिले में आप सब ने ये कार्यक्रम रखा। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाओ। एक युवक के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई है। परिवार के लोग उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। कारण अब तक ज्ञात है, परिवार के लोगों को कोई जानकारी नहीं है। उनके परिवार के एक सदस्य ने अपनी जीवन लीला समाप्त की लेकिन परिवार के लोग अनजान है। उनका कहना है कि मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के द्वारा मर कायम किया गया है। आज सुबह शव का पंचनामा किया गया, उसके बाद उस शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया है। मामले की अब जांच प्रारंभ हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यह खुलासा होगा कि वजह क्या थी। पुलिस लगातार मामले में जाँच कर रही है। भैया क्या नाम है आपका? सुदामा है। सुदामा हैरवाल। कहाँ के रहने वाले हो? मणिपुर के। ये कौन है आपका? ये भतीजा। क्या नाम है इनका? अनिल हैरवाल। क्या हो गया था, क्या कर रहा था? पता नहीं था, हाथ लगा ले 1:30 बजे। किस वजह से? कोई पता नहीं। क्या करता है? दिल्ली से परसों आओ तो कल। क्या करता है? मजदूरी करा। परसों दिल्ली से आओ माता नाम है आपका? दीनदयाल हैरवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम मरिया के रहने वाले हैं, घर में रह रहे हैं। ये कौन है आपका? ये हमारे मंजिल का दरवाज लड़का है। क्या नाम है इनका? अनिल हैरवाल। क्या हो गया अनिल? सर कुछ नहीं हुआ, परसों दिल्ली से आया, कल उसने ये काम कर लिया। क्या कर लिया? फांसी लगा ली। किस वजह से लगा ली? किस वजह? अब जो पता नहीं है, एक प्रोग्राम है तो सब लोग वहीं हैं थे, घर आया फिर पता ही नहीं। देखो तो कैसा वैसा हुआ तो देखो भी सुबह तो कम। कब लगा ली थी? रात में लगाई थी, जो अंधेरा लगाई थी। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। दमोह कलेक्ट्रेट परिसर में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन दमोह के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा नगर पालिका के सफाई कामगारों का भी सम्मान यहां पर किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री द्वय लखन पटेल, धर्मेंद्र सिंह लोधी एवं मध्य प्रदेश पिछड़ावर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, दमोह सांसद राहुल सिंह, दमोह विधायक जयंत मलैया सहित बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे। जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर भी विशेष रूप से मौजूद थे। दमोह पुलिस अधीक्षक सुदकीर्ति सोमवंशी भी मौजूद थे। वहीं अपर कलेक्टर मीना मशराम, SDM राजलन बागरी विशेष रूप से यहां पर मौजूद थे। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से नगर पालिका के कर्मचारियों का सम्मान किया गया है। साथ ही ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से सभी देशवासी स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं। यह 17 तारीख से प्रारंभ हुआ और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा।
अभी इसका हम लोगों ने शुभारंभ 17 तारीख को, तो मैं अभारे में था, अभारे से किया, और आज यहाँ पर हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। उसके पहले इसी के तहत हमारे युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया था, वहाँ भी हम लोग थे, और हमारे युवा सांसद राहुल सिंह जी ने अपना वहाँ पर खून दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग आए हैं, अब इसके पश्चात हम लोग अपनी बैठक करेंगे। विषय है कि 17 तारीख से नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर तक ये स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। मैं नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप शतायु हों, आप दीर्घायु हों, और देश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का संकल्प के आने वाले समय में स्वच्छता को लेकर मध्य प्रदेश क्रमांक 1 का प्रदेश बनना चाहिए। और अभी मध्य प्रदेश में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंदौर लगातार 7वीं बार पूरे देश में पहले नंबर पर आया है, भोपाल 5वें स्थान पर है, और अपना पूरा मध्य प्रदेश की बात की जाए तो दूसरे स्थान पर है पूरे देश में। तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश क्रमांक 1 का प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में बने, ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का संकल्प, इसके लिए ये पखवाड़ा चलाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसके पहले हम लोगों ने नगर पालिकाओं के कर्मचारियों का और समाज सेवियों का सम्मान किया, तो अवेयरनेस आ गई है दमोह में। अधिकारीगण और पूरे मंत्रीगण और पूरे विधायकगण, हम लोग को जहां जहां ये सामाजिक संगठन कार्य करते हैं, हम लोगों ने पूरे इस महीने सब जगह जाकर वहां उपस्थिति दी और सेवा और स्वच्छता के कार्य किए। तो निश्चित जैसे आदरणीय धर्मेंद्र जी ने कहा कि नेतृत्व दमोह में पर्याप्त है, सब लोग हम लोग मिलकर काम करेंगे और प्रयास रहेगा कि दमोह को भी पहले 10 शहरों की लिस्ट में स्वच्छता के उसमें हम लोग लेके आए। दमोह को जागरूक करने की आवश्यकता है, जो लगातार आपने देखा हो, तालाब का सफाई का काम और दूसरे काम, और ये तो अंदर से बात आती है। आप सबसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आप सब भी इस काम में लगे कि अवेयरनेस लोगों तक फैलाएं कि स्वच्छता सबसे अच्छी बात है और हमारा जिला प्रदेश में नंबर 1 पर आए, ऐसे हम चाहते हैं। और आप सबका सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से ये कोई काम कठिन नहीं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। दमोह जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस कार्यालय में इस पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि 20 तारीख को कांग्रेस के द्वारा एक बृहद आंदोलन किया जा रहा है, किसानों की समस्याओं को लेकर यह आंदोलन है, जिसके चलते आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहाँ उपस्थित कांग्रेसियों ने अपनी बात रखी। 20 तारीख को शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी और नेता प्रतिपक्ष ओमन सिंघार जी, और जो ये पत्रकार वार्ता आज आयोजित की, हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी माननीय मुकेश नायक जी के आदेश अनुसार हम सब यहाँ एकत्रित हुए। उसी बात की, किसानों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी धोखाधड़ी कर रही है, MSP लागू नहीं कर रही है, चाहे सोयाबीन हो, धान हो, गेहूँ हो, इनने अपने घोषणा पत्र में ये घोषणा की थी कि हम 6000 रुपया कुंटल सोयाबीन लेंगे और 2700 रुपया कुंटल गेहूँ खरीदेंगे और 3100 रुपया कुंटल धान खरीदेंगे। साथ में जो अतिवृष्टि हुई है, इसमें भी किसानों की फसल बर्बाद हुई है और मकान भी गिरे हैं। इन सब बातों को लेकर 20 तारीख को किसान न्याय यात्रा सागर नाका से राय चौराहे होते हुए, घंटाघर होते हुए, अम्बेडकर चौक से कलेक्ट्रेट जाएगी और ज्ञापन सौंपा जाए। इस संबंध में हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी माननीय मुकेश नायक जी ने, हमारे प्रभारी जी जो हमारे छोटे भाई अभिषेक गौर जी को नियुक्त किया है, वो आपसे इस संबंध में पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। आपसे यही आग्रह है हमारे प्रदेश के द्वारा नियुक्त प्रवक्ता आदरणीय भाई अभिषेक गौर जी जो सागर से पधारे हैं, उन्होंने अभी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का क्या किसानों के प्रति रवैया रहेगा और किसानों के आंदोलन में किस प्रकार से हम सहयोग करेंगे, इसके ऊपर प्रकाश डाला है। मैं आपको दमोह के बारे में बताना चाहता हूं कि कल 20 तारीख शुक्रवार को 11 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के पास से हमारी किसान न्याय यात्रा प्रारंभ होगी, जिसमें हमारे दमोह विधानसभा क्षेत्र के अलावा तीनों विधानसभा क्षेत्र और मैंने पूरे दमोह जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे विधानसभा प्रत्याशी हैं, वो जिला कांग्रेस अध्यक्ष, हमारी पार्टी के सीनियर नेता और किसान भाई
उसमें सम्मिलित रहेंगे। ट्रैक्टर रैली के रूप में ये रैली हमारी किसान न्याय यात्रा प्रारंभ होगी, जिसमें युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, NSUI, किसान कांग्रेस के साथ ही तीन गुल्ली, राय चौराहा के बाद कचौरा, घंटाघर, अम्बेडकर चौराहा, जटाशंकर SP बंगले के सामने से होते हुए कलेक्टर पहुंचेगी। कलेक्ट्रेट में हम लोग वहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय रतन चंद जी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपेंगे और हमारे जो जिले के पर्यवेक्षक हैं आदरणीय हर्ष यादव जी, वो भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। मैं सभी अपने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ कि वो हमें समय समय पर जो हम लोगों की समस्याएँ हम लोग उठाते हैं उसको अपने माध्यम से जनता के बीच में लाते हैं। और अभी मैं ये भी चाहूँगा कि जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है इसको भी आप किसानों की बात को मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप सबको मैं धन्यवाद भी देता हूं और चाहता हूं कि आने वाले समय में 20 तारीख को हमारी इस न्याय यात्रा को आप आम जनता तक पहुंचे। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। दमोह जिले में एक बार पुनः तेंदुओं की दहशत देखी जा रही है। हम आपको बता दें कि दमोह कटनी रेलवे ट्रैक पर घटेरा गोलापट्टी के बीच तेंदुआ देखा गया। सुबह 4 बजे एक ट्रेन जो यहां से गुजर रही थी उसके पायलट के द्वारा जबलपुर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई कि रेलवे ट्रैक के किनारे पर तेंदुआ है, जिसके बाद ये जानकारी दमोह पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंची, जहां से वन विभाग को भी जानकारी दी गई। वन विभाग के अमले के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर पहुंचकर लगातार पगमार्ग की तलाश की जा रही है। बताया जाता है कि सुबह लगभग 4 बजे पायलट के द्वारा तेंदुआ देखा गया था, जिसके बाद जानकारी दी गई है। ग्रामीणों को भी जागरूक किया जा रहा है, जंगल में अकेले न जाएं, खेत पर अकेले न जाएं, एक साथ कई लोग झुंड बनाकर निकलें ताकि किसी भी प्रकार से जानवर अगर है तो किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। हम आपको बता दें कि दमोह जिले में इसके पहले भी कई बड़े मामले सामने आ चुके हैं। तेंदुए की दहशत रही है, वहीं तेंदुए के शिकार करने के मामले भी सामने आते रहे हैं। अब वन विभाग का अमला एक बार पुनः सक्रिय नज़र आ रहा है, घटेरा पहुंचा है, गोलापट्टी पहुंचा है, जहां पर लगातार ये जानकारी जुटाई जा रही है कि रात्रि के समय तेंदुआ था या नहीं। पगमार्ग देखे जा रहे हैं क्योंकि इस समय आसानी से पगमार्ग मिल सकते हैं। भाई बनवार चौकी प्रभारी मनीष यादव भी ग्रामीणों के बीच पहुंचे, उन्हें जानकारी दी गई कि क्षेत्र में तेंदुआ नजर आया है, जिसके बाद लोग काफी सतर्क रहे। सबको आप लोग बता देना, सूचित कर देना कि जंगल तरफ वो घटेरा गोलापट्टी स्टेशन के बीच में देखा है, वो आप लोग सुरक्षित रहे। तेंदुए की दहशत के संबंध में हमने दमोह DFO महेंद्र सिंह उइके से चर्चा की तो उनके द्वारा इस मामले में हमें जानकारी दी। सर, तेंदुखेड़ा के बाद सगौनी क्षेत्र में लगातार ग्रामीणों के द्वारा ये शिकायत की जा रही है कि रात्रि के समय यहाँ पर तेंदुआ घूम रहा है। हाँ, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है और इसकी तस्दीक कराने के लिए हमने स्टाफ को लगाया हुआ है। जैसे ही कंफर्मेशन होता है और कोई परमार्क यदि मिलते हैं तो हम इस बारे में आगे की जानकारी देंगे। सर, अभी तक कोई ऐसा कि कहीं कोई शिकार वगैरह किया हुआ? अभी तक शिकार की जानकारी नहीं है, चूँकि बारिश का समय है और जगह जगह पानी की उपलब्धता भी है, तो ज़्यादा मूवमेंट इस समय नहीं होता है उनका, हर जगह पानी उपलब्ध है। लेकिन फिर भी यदि मान लो कहीं ग्राम के किनारे या कहीं कोई बात आती है, जैसा कि मुझे सूचना मिली है, तो मैं उसको दिखवा रहा हूँ, जल्दी हम इस बारे में आगे बता पाएंगे। फिर उसके बाद क्या ग्रामीणों को भी जागरूक करेंगे कि रात्रि के समय ना घूमें? और हाँ, ग्रामीणों को भी किया जाएगा, लेकिन कन्फर्म होने के बाद ही हम इस बारे में। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज़, दबाओ। दमोह जिला पंचायत में पदस्थ हरचरण सेन, जो कि पंचायतों का ऑडिट करते थे, अपने ही अधीनस्थ मनोज पटेल से उनके द्वारा रिश्वत मांगी गई थी। प्रत्येक पंचायत के हिसाब से उनके द्वारा हिसाब किया जा रहा था। पूर्व में मनोज पटेल 5,000 रुपए दे चुके हैं, ऐसा उनका कहना है। आज उनके द्वारा 4,000 रुपए नगद दिया गया था, जिसके बाद सागर लोकायुक्त के द्वारा ट्रैप आयोजित किया गया और उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। सागर लोकायुक्त के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला पंचायत में इसके पहले भी कई बार कार्रवाई देखने को मिली है। सागर लोकायुक्त की टीम दमोह पहुंची, जिनके द्वारा ट्रैप आयोजित कर दमोह जिला पंचायत में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हरचरण सेन को रंगे हाथों पकड़ा गया है।
अब आगे की कार्यवाही लगातार जारी है। पीड़ित का कहना है कि लगातार पंचायत के हिसाब से उनसे पैसा मांगा जा रहा था। क्या नाम है, किस पद पे है? मेरा नाम मनोज पटेल है, मैं बीएसए के पद पे हूँ और हमारा कार्य होता है मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण करना। तो हम पंचायतों में कलेक्टर के आदेश अनुसार पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य करते हैं और उसी दौरान हमारे समन्वयक अधिकारी हैं जो डीसी साहब हरचरण वर्मा जी, इनका कहना था कि आप पंचायत में ऑडिट कर रहे हो तो हर पंचायत से हमें वसूली करके लाओ। तो हम किस बेस से पैसे मांगे? हम तो किसी बेस से पैसे नहीं मांगते। हमने पहली पंचायत की कुछ नहीं आया तो इन्हें हमें नोटिस कार्ड दिया और जो हमारा रिपोर्ट कार्ड होता है इन्हें जमा नहीं किया। हमारे साथी होते हैं, हम तीन साथी होते हैं एक पंचायत में जाने के लिए, लेकिन इनका कहना ये था कि वो साथी कुछ नए हैं तो आप उनके द्वारा नहीं करवा सकते और उन पर भरना नहीं आता कुछ, तो बोल रहे थे आप ही आओगे, आप ही हमसे पंचायत में बात करोगे और हमें पैसे लेके दोगे। तो हमने एक पंचायत में मतलब पैसे ऐसे कुछ वसूल नहीं करवाए तो इन्हें हमें नोटिस काट दिया। फिर दूसरी पंचायत हुई, ऐसी कंडीशन घटी, फिर ऐसी करके हमने तीन पंचायतें निपटाई। तो इनका कहना यह था कि अगर आपको करना है, काम करना है तो हमें पैसे ला के देना पड़ेगा। तो फिर मैंने लोकायुक्त की सहायता ली, लोकायुक्त में सहायता करने के बाद उनने हमारी मदद की और हमने उन्हें ट्रैप करवा दिया। तो उन्हें 4,000 की रिश्वत मांगी थी हमसे, तो 4,000 की रिश्वत में हमने उनको ट्रैप करवा दिया। हाँ, हर पंचायत में मतलब जैसे पंचायत कंप्लीट होती है, हमारी ग्राम सभा होती है, जिस दिन फोल्डर जमा किया जाता है उसी दिन पैसे के लिए फोन आता है और फोन आने के बाद अगर अपन समय पर आ भी जाते हैं तो वो क्या है, पैसे बोलते हैं पैसे लाओ, फोल्डर जमा नहीं होगा आपका, आप एक काम करो आप फोल्डर ले जाओ, और फिर नोटिस काट देते हैं कि फोल्डर जमा नहीं किया है। तो हम लोग कोई प्रूफ ली तो ऐसा रख नहीं पाते क्योंकि फोल्डर उनके द्वारा जमा किया जाता है, कोई रिसीव विसीव देते नहीं है, यही कारण था। पहले कभी पैसा दिया क्या? इसके पहले एक पंचायत का पैसा दिया था, उसकी मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, मोबाइल पे वॉइस रिकॉर्डिंग है, उन्होंने 5,000 रुपए की डिमांड की थी, 5,000 रुपए मैंने दिए थे, लेकिन वो क्या होता मान्य नहीं होता लोकायुक्त में। तो फिर मैंने उनसे 4,000 की उन्होंने डिमांड फिर की तो मैंने 4,000 के लिए लोकायुक्त की सहायता ली। जी मैंने की थी परसों के दिन 17 तारीख। कितनी रिश्वत लेते गिरफ्तार किया? जिला पंचायत कार्यालय में पदस्थ हरचरण सेन उर्फ हरचरण वर्मा, ये प्रभारी जिला कोऑर्डिनेटर के पद पर पदस्थ हैं। इनके अंडर में पदस्थ हैं मनोज पटेल जो वीएसए के पद पर पदस्थ हैं इनके अंडर में, और इसके द्वारा 17 तारीख को हमारे लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की गई कि हरचरण सेन जो प्रभारी जिला कोऑर्डिनेटर हैं इनके द्वारा हर पंचायत में मतलब जो भी पंचायत में ये ऑडिट करता है, मतलब मनोज पटेल आवेदक जो ऑडिट करता है, तो उसका उनका ये कहना है हरचरण सेन का कि जिन जिन पंचायतों का आप ऑडिट कर रहे हैं पर पंचायत मुझे 2,000 रुपये रिश्वत के रूप में चाहिए, नहीं अगर मान लो ये राशि नहीं देता है तो उस पर प्रेशर बना जाता है, अनावश्यक उसको नोटिस जारी करके दबाव बना जाता है। तो उक्त शिकायत का सत्यापन किया गया और सत्यापन पर हमने ये पाया कि इनके द्वारा पर पंचायत 2,000 रुपये की रिश्वत मांग की जा रही है और आज इनको दो पंचायतों के 2,000 के मान से 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना जारी कार्रवाई की जा रही है। मैं डीएसपी मंजू सिंह। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। दबाव कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में आज एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। सागर में होने वाले कॉन्क्लेव को लेकर यह बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक में मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री द्वय लखन पटेल, धर्मेंद्र सिंह लोधी, दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी, दमोह विधायक जयंत मलैया के अलावा अन्य पदाधिकारीगण जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित कुछ अन्य पदाधिकारी, हटा विधायक उमा देवी खटीक, मध्यप्रदेश पिछावर आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया मौजूद रहे। वहीं जिला प्रशासन के मुखिया दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्पित वर्मा विशेष रूप से हमारे यहाँ जितनी संभावना है उस पर प्रेजेंटेशन होगा माननीय मुख्यमंत्री के सामने। और दूसरा हम लोगों ने एक प्रयास किया है यहाँ पर इंडस्ट्री लाने का, जैसे संभावना है सीमेंट इंडस्ट्री की बात हो रही है और एक एथेनॉल और एक साइलेंस बनाने,
बात अभी हम लोग चल रही है, जो बॉम्बे की एक कंपनी है, मतलब मल्टीनेशनल है, तो सिंगापुर बेस्ड है, उनसे भी बात चल रही है। इथेनॉल की करीब 300 की है, मतलब लगभग 400 करोड़ की फैक्ट्री है, और जो इसकी साइलेंस की है वो भी लगभग 200 करोड़ की फैक्ट्री। हम लोग प्रयास करते हैं कि दमों में लगे काम बने बढ़ेगा, उसके लिए हम लोग अभी की है। और बाकी विभागों की समीक्षा जो होती है समय समय पर, क्या प्रोग्रेस हुई, पिछली बार जो हम लोगों ने चर्चा की थी उसमें कितना सुधार हुआ, क्या हुआ, उन चीज़ों के लिए हम लोग सब कुछ करते हैं। इंडियन सीमेंट की फैक्ट्री भी दमों आना चाह रही थी, कुछ कारण बस रुक गई थी, तो क्या उनसे भी बात होगी ताकि वे एकदम मुझे नाम याद नहीं, लेकिन हाँ किसी कोई फैक्ट्री 1400-1500 करोड़ का प्लांट है जो चर्चा में है, अभी नाम एकदम में भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो जरूर आ रही है फैक्ट्री। अभी एक गैसाबाद में भी एक फैक्ट्री वालों ने अभी प्रयास किया है लगाने का, मतलब चर्चा कर रहे हैं, जमीन भी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि दमों में 2-3 इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार भी लोगों को मिलेगा और काम भी यहाँ बढ़ेगा, बाकी व्यापार भी बढ़ेगा। स्थानीय उद्योग धंधों को लेकर के नहीं, स्थानीय तो बढ़ाने की बात तो हम लोग जरूर करें, क्योंकि हमारा जिला ज़्यादातर खेती पर आधारित किसान वो है, तो उसके लिए भी हम लोग चाह रहे हैं कि जो इससे जुड़ी हुई इंडस्ट्री है, किसान से इंडस्ट्री जुड़ी हुई इंडस्ट्री, वो आए यहाँ पर उद्योग लगें, जिससे लोगों को रोजगार भी मिले और साथ साथ यहाँ के एक मॉडल बने जो पूरे प्रदेश में और देश में उसको बनाने का काम करे। क्या संभावना माने थे इस समिट के बाद बुंदेलखंड के लिए? निश्चित रूप से बहुत कुछ मिलेगा, जो अभी संभागीय जो समिट हुई है उनमें अच्छा निवेश भी आया है और लोगों ने इंटरेस्ट भी दिखाया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सागर में जब जो मीट हमारी 27 सितंबर को होने वाली माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें रहेंगे और बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड के लिए बहुत कुछ मिलने की संभावना है। खासतौर से दमों के लिए जो हमने 2-3 बातें कही हैं वो हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ पर जरूर। अच्छा जी, पशुपालन आपके पास है, ऐसे में क्या बड़ी गौशाला से कई तरह के प्रोडक्ट भी तैयार हों, इस तरह की योजना? ऐसा है, अभी हम लोगों ने जो एक बात कही है, हमारे यहाँ जैसे आंकड़े, हालांकि मैं उस आंकड़ों से सहमत नहीं हूँ जो बताया कि हमारे यहाँ निराश्रित पशु लगभग 8,000 हैं, तभी हम जो लगता मुझे कम शायद आकलन हुआ है उसका, तो अभी हम वन्य विहार बना रहे हैं जो सीतानगर के पास कल्याणपुरा खेतरा जगह है, वहाँ पर सरकारी जमीन का 600 एकड़ जिसको आइडेंटिफाई किया है, और वहाँ पर हम वन्य विहार बना रहे हैं जिसमें लगभग 10,000 गाय रखने की क्षमता होगी। तो जिस हिसाब से तो हम लोगों ने बात की, तो उस हिसाब से तो वो एक ही जगह एक ही वन्य विहार में हमारे पूरे जिले के जो पशु हैं वो उसमें निराश्रित पशु हैं वो वहाँ रखे जा सकेंगे, और बाकी हम लोग अभी और भी बातचीत कर रहे हैं, जैसे बकरी का सेंटर खोलने की बात है, लगे हम लोग बराबर प्रयास दमों के लिए चिंता कर रहे हैं और करेंगे। मंत्री जी, पिछली बैठक में आज राशि जारी होने के लिए तय हुआ है, सारे प्रस्ताव बन गए, लगभग 412 करोड़ रुपए के प्रस्ताव तैयार हो गए, स्कूल आइडेंटिफाई हो गए, क्योंकि हम लोगों ने उस पर चर्चा की थी, सब अलग अलग जितने जो प्रस्ताव दिए सारे जोड़ दिए गए हैं, तो मुझे लगता है 1-2 दिन में राशि जारी हो जाएगी। आज भी उस बात पर चर्चा हो रही, हम लोगों ने सारे लोगों ने फिर फैसला लिया कि वो राशि को हम लोग उसी में उपयोग करेंगे ताकि स्कूल ठीक हो सके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके सभी को कि ये जिस भी मंत्री से या जिस विधायक से हम लोगों ने बात की है कि हमने ऐसा कदम उठाया है दमों में कि गौर खनिज की राशि से स्कूलों को मरम्मत का कार्य कराने, तो सबने इसको अप्रिशिएट किया और अपने जिलों में भी लागू करने के लिए उन्होंने ऐसी बात कही कि हम अपने जिले में भी लागू करेंगे। को लेकर भी बात हुई और सारे विभागों की समीक्षा भी हुई, जो काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सारे विभागों को, चाहे उद्योग मंडल हो, चाहे पर्यटन विभाग हो, सारे विभागों की अलग अलग चर्चा भी हुई, राजस्व विभाग की भी चर्चा हुई, सारे विभागों की चर्चा हुई, कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा हुई कि उद्योग के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए अपने दमोह का भी पर्यटन नीति, पर्यटन की कहाँ कहाँ संभावनाएं हैं उसका भी प्रेजेंटेशन बनाया गया, और उस आने वाले समय में दमोह पर्यटन की दृष्टि से कैसे आगे बढ़ेगा इसकी भी रचना योजना बना के उस रीजनल कॉन्क्लेव में रखी जा रही है। तो निश्चित रूप से चाहे सिग्रामपुर हो, चाहे अपने दमोह में सद्धरू के पास जो एक टापू टाइप का है उसमें भी वोट डाल के काम करने का
की रचना योजना बनाई जा रही है, तो आने वाले समय में पर्यटन की दृष्टि से दमोह आगे बढ़े, इसके लिए भी इस रीजनल कॉन्क्लेव में अच्छा विचार विमर्श होगा, उसकी रचना योजना बना के कलेक्टर के द्वारा भेजी जा रही है। कुछ सड़कों की बात हुई है आपके क्षेत्र में, कुछ सड़कों का हाल थोड़ा सा? हाँ, सड़क की भी बात हुई है, तो क्योंकि अभी जो दमोह और जबलपुर मार्ग है वो सुधर नहीं पा रहा था, क्योंकि ये MPRDC और NH के बीच में मामला फंसा हुआ था, क्योंकि ये NH में सड़क चली गई थी लेकिन NH ने उसको हैंड ओवर नहीं लिया था। लेकिन अभी माननीय मंत्री जी से, राकेश जी से बात हुई, उन्होंने NH के अधिकारियों को बुलाकर इस सड़क को NH के हैंड ओवर कर दिया है, और NH के माध्यम से हमारा ये मार्ग जब तक काम शुरू नहीं होता तब तक ये मार्ग सुधार किया जाएगा, उसके बारे में भी चर्चा हुई और जल्दी से जल्दी ये मार्ग ठीक हुआ। आज जिला अस्पताल में काफ़ी देर तक आपने बैठक ली है, क्या मुद्दे थे क्या? अभी आज प्रारंभिक तौर पर बैठक ली है मैंने, और अभी मैंने ये बोला है कि जितने भी एग्जिट द्वार हैं उन सभी जगह पर CCTV कैमरे इनको लगाए, और मैंने बोला कि दो दिन बाद आके मैं देखूँगा, क्योंकि अभी पूर्व में जो घटना घटी है वो 12 दिन पहले बच्ची ये चोरी हो गई थी, वो तो पुलिस की बहादुरी कारण अधिकारी होगी वो चीज़ें होगी, पर किसी चीज़ की पुनरावृत्ति हो उसे वो बताते कि निष्क्रियता से काम हो रहा है, एक वो समीक्षा ली, और जो और जो मीडिया के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से जो शिकायतें आती हैं उनका भी संज्ञान लिया है, अभी वो बैठक में भी जो किया, तो ये प्रयास है कि महीने में एक बार बैठक लेके उन चीज़ों को सुनिश्चित करेंगे, और अभी 3-4 दिन में ये CCTV कैमरे लगाए गए जिससे इस प्रकार की घटना एक तो घटेगा, और यदि मान लो बताना काफ़ी घटती है उसकी तत्काल CCTV में कवर होगा। सागर कॉन्क्लेव होने वाला है इसको लेकर, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं, पहले मस्टर्स मीट या ओजरी समिट होती थी तो इंदौर ग्वालियर या भोपाल तक सिमट जाती थी और नीचे संभागों पर नहीं पहुँच पाती थी, तो मुख्यमंत्री जी का विजन है कि संभाग स्तर पर मस्टर्स मीट जब संभाग पे होगी और संभाग पे जब बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे और दमोह जैसे छोटे जिले सागर पटना जैसे जिलों में जब पहुँचेंगे और वहाँ इन्वेस्ट होकर तो रोजगार बढ़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी रोजगार सृजन के लिए निरंतर काम कर रही है, उसी को लेकर ही आने वाली 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में बैठक होगी, एक रोड मैप हम सभी लोगों ने तैयार किया है और उस रोड मैप को फाइनल करके ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगा। किसी बड़ी इंडस्ट्रीज को लाने का प्रयास होगा या? देखिए प्रयास निरंतर चल रहे हैं क्योंकि अभी प्रारंभ में कभी शुरुआत है, निश्चित ही जो बेहतर कर पाएंगे सब उसके लिए हम लोग से आज बातचीत हुई है विकास के सागर में जो कॉन्क्लेव होने वाला है उससे आपको क्या लाभ होगा, अपने क्षेत्र के लिए कौन सी मांग आपने रखी? दमोह जिले की जो मासिक बैठक हम लोगों की हो रही है इसमें बहुत कुछ सभी विभागों से निकलते हैं, बिजली पानी सड़क रोजगार के साधन, हम लोग सब एक मत होकर जिले में कितने से कितना विकास कर सके उसके लिए प्रतिबद्ध लगे हुए हैं, हर क्षेत्र में हर विभाग में विकास की संभावना है और हम लोग कर रहे हैं। सागर में कॉन्क्लेव होने वाला, मुख्यमंत्री से बात हुई कि आपके क्षेत्र में कोई इंडस्ट्रीज वगैरह लग सके? नहीं है ना, हमने तो प्रस्ताव दिए हैं जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने विजन डॉक्यूमेंट मांगे थे उसमें हमने प्रस्ताव ही दिया है कि हमारे पटेरा में जो राजस्व खाली जमीन पड़ी हुई है 400-500 एकड़ जमीन है, जमीन का नक्शा कचरा भी उनको सौंप दिया गया है, तो हमें लगता है कि पटेरा में जरूर हम एक इंडस्ट्री खोल लेंगे, और गैसाबाद में तो हमारे अटा ब्लॉक में भी कार्य प्रगति पर है, कर रहे हैं जो हमारे क्षेत्र के लोग पलायन कर रहे थे, हमें लगता है कि अगर ये इंडस्ट्री आ जाती है तो लोग पलायन नहीं करेंगे। संजय सरवरी, LDCN न्यूज, दबाव। सागर जिले के गड़ाकोटा में जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी के महीने के चलते काजी मस्जिद परिसर में बीती रात मदरसा के नन्हे मुन्ने बच्चों का दीनी जलसा प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने हजरत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नातिया रसूल पेश की। इस अवसर पर शहर मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष जनाब नासिर भाईजान एवं थाना प्रभारी अनिकांत दुबे और संजय मिश्रा ने भी प्रोग्राम में शिरकत की, जिसमें काजी मस्जिद कमेटी ने आए हुए मेहमानों का फूलमाला पहनाकर सोपा बांधकर उनका इस्तकबाल किया। वहीं बच्चों के प्रोग्राम के बाद शहर मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष एवं
थाना प्रभारी ने सभी बच्चों को पुरस्कार वितरित किए और बच्चों की हौसला अफजाई की। इस कार्यक्रम को निज़ाम कर रहे हाफिज मोहम्मद साजिद यकीन और काजी मस्जिद के पेश इमाम जनाब इजहार आज तारीख विलादत को न भूले नस्ले, आज तारीख विलादत को न भूले नस्ले, बज़्म मीलाद नबी यूं ही सजाए रखिए, बज़्म मीलाद नबी। और अल्लाह के साथ सिर्फ दो लाइन में कहूंगा, दिल रोजाए रसूल के साथ जाली पे रख दिया, दिल रोजाए रसूल की जाली पे रख दिया, हमने ये खून खून की जाली। मस्जिद सदर हाजी जावेद खान, हाजी अनवर खान, साबिर शेर, शरीफ ठेकेदार, सत्तार खान, आरिफ खान, राजा खान, परवेज खान, अबरार खान, फिरोज खान सहित कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। कड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोदिया थाने की नरसिंह चौकी अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया था। 2019 में घटना घटित हुई थी जहां पर एक ननद ने अपनी भाभी की हत्या करवाई थी। सुपारी देकर यह हत्या करवाई गई थी। मीडिया की सुर्खियों में यह मामला लगातार बना रहा। माननीय न्यायालय में यह मामला जो था विचाराधीन था। माननीय विद्वान न्यायाधीश के द्वारा इस मामले में आज अपना अहम फैसला सुनाया गया, जिसमें आरोपीगण निगम उर्फ अजय सिंह, रवि परमार, अनीता बस्ती, नफीस खान, राजा उर्फ आशीष ठाकुर, सचिव उर्फ मोनू पारासर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी कैलाश चैन पटेल के मार्गदर्शन में एसडीओपी अनंत सिंह ठाकुर के द्वारा की गई एवं विनय नामदेव का आवश्यक सहयोग किया गया। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला था। आज प्रथम सत्र न्यायालय संतोष कुमार गुप्ता, श्रीमान संतोष कुमार गुप्ता जी की न्यायालय में आरोपी गण निगम और अजय सिंह, रवि परमार, अनीता अवस्थी, नफीस खान, राजा और आशीष ठाकुर,
और सचिव उर्फ मोनू पारा सर को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा हुई है, जिसमें आरोपी निगम को धारा 302 में आजीवन कारावास, 449 भादावी में 5 वर्ष एवं 25(1) का खाक का आयोध अधिनियम के अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी रवि एवं आरोपी निगम और फजय सिंह एवं शेष आरोपी गण रवि, अनीता, नफीस, राजा और फासी एवं सचिव और मोनू को 120 सह पठित 302 भादावी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। घटना का विवरण ये दिनांक 18/6/19 को ग्राम नरसिंहगढ़ स्थित अपने मकान में मृतिका आरती तिवारी एवं उनका छोटा बेटा और उनकी माँ सुशीला तिवारी अपने घर में टीवी देख रहे थे कमरे में। उसी दौरान एक आदमी आया और कट्टे से आरती तिवारी को गोली मार दिया, जो कि घटना के बाद परिजनों के द्वारा, उनके लड़के के द्वारा, पति के द्वारा जिला अस्पताल दमोह लाया गया, जहां से रेफर जबलपुर अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जो दिनांक 19/6/19 को मेट्रो हॉस्पिटल जबलपुर में उस आरती की मृत्यु हो गई थी। मृतिका बोलने की स्थिति में नहीं थी, उनके पति के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, अपराध मामला पंजीबद्ध होकर विवेचना में लिया गया था और विवेचना के दौरान जो आरोपी निगम मृतिका की लड़की आशु तिवारी की निशानदेही पर मृत आरोपी निगम को गिरफ्तार किया गया था और जो कि उसके द्वारा अपने मेमोरेंडम कथन में बताया गया था कि शेष आरोपी गणों के द्वारा उसने आपराधिक योजना तैयार कर ये घटना को अंजाम दिया गया है। इस दौरान आरती आरोपिया अनीता अवस्थी के भी कथन लिए गए थे, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि इस आपराधिक योजना के तहत उसने अपनी जो भाभी है आरती तिवारी की हत्या की योजना बनाई थी, जो कि 5 लाख रुपए में सुपारी देकर ये हत्या का अंजाम दिया गया था। तो इसमें ये शेष आरोपी गणों को 120 सह पठित 302 भादावी के तहत आजीवन कारावास की सजा दी गई। आज बहुचर्चित मामले में माननीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी गण को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया है, क्योंकि इसमें एक ननद द्वारा अपनी ही भाभी की हत्या करवाने की एक साजिश रची थी, जिसमें अन्य 5 लोगों को योजना बनाकर एक व्यक्ति कभी प्रमाण से गोली मरवाई गई और उसकी भाभी की मृत्यु हो गई। यह इसका वातावरण केवल मामूली था कि मृतिका जो उसकी भाभी थी वह अपने पति से और उसकी माँ से, आरोपी अनीता की माँ से लड़ती झगड़ती, इसी कारण से उसकी ननद ने उसे गोली मरवा दी थी। क्योंकि इसमें ये ननद अनीता एक शिक्षिका भी है, इसके होने के बावजूद भी उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया था। और इस मामले में पहले हमारे बीपीओ श्री कैलाश जी पटेल की निर्देशन में श्री अनंत सिंह ठाकुर जी द्वारा दी गई। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकड़ी सीएन न्यूज, तपाव। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। जिला पंचायत में रिश्वत ले रहा था डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, सागर लोकायुक्त की ट्रैप की कार्रवाई। भाभी की हत्या कराने वाली ननन सहित 5 को आजीवन कारावास। दमोह सांसद राहुल सिंह ने किया रक्तदान, तो वहीं जिला कलेक्टर ने मंत्रियों की उपस्थिति में हुई बैठक संपन्न। अज्ञात कारणों के चलते युवक ने उठाया अप्रिय कदम। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें, अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे, साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।
फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नक्को करो जी, तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो, जो दिल खोल कर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोल कर चलाने की आजादी। मी हॉर्स, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।